महिलाओं को हमारी सरकार 1500 रुपए प्रति माह देंगी। हर महीना ये देने का हमारा वायदा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर कांग्रेस सरकार देंगी। 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट का हाफ। किसानों का कर्ज पहले भी कमलनाथ जब थे थोड़ा माफ कर दिया, अब किसानों का कर्ज भी माफ। तो कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल, किसानों का 5 हॉर्स पावर बिजली बिल माफ, सिंचाई के पुराने बिल भी माफ, और बैकवर्ड क्लास के लिए 27% आरक्षण, यानी उनको भी आरक्षण दिया जाएगा। 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई की बिजली हम देंगे, और बैकवर्ड क्लास कास्ट सेंसस हम कराएंगे ताकि सबको मालूम होगा कौन किस जगह ठहरा है, उसकी हैसियत क्या है, उसको क्या मदद करना चाहिए, वो भी हम करवाएंगे। और जो किसान आंदोलन में जो मुकदमे आपके पास है, आपके ऊपर है, उसको हम निकाल देंगे, वापिस लेंगे, और ये है गारंटी हमारी। और ये देखकर 4 दिन पहले या 2 दिन पहले उन्होंने यही कॉपी करा और लोगों को बोलने लगा, रहे हम ये देते। अरे भाई, देना है तो लास्ट इलेक्शन में देना था, या उसके पहले इलेक्शन में देना था, या जब शुरू में आप बने चीफ मिनिस्टर उस वक्त देना था। जब हम निकाले हमारा मैनिफेस्टो तब उनका आया, यानी हमारी कॉपी कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास असलियत है, आपका प्रणाल के निकालो, मैनिफेस्टो निकालो, देना था, वो नहीं दे रहे। तो इसीलिए हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए। गरीबों की जो उद्धार करने वाले, कल्याण करने वाले की सरकार हमको होना है। और ये बाकी का तो मैं नहीं कहता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इतने घोटाले जो हुए हैं, हमारी सरकार आने के बाद उन घोटालों को उसकी इंक्वायरी करेंगे। अगर हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, ऐसा ही छोड़ देंगे, तो फिर दूसरा करेगा ऐसा ही। जो किया है उसको जरूर शिक्षा मिलना चाहिए। और ऐसा ही गुमराह करके अगर वो चलते रहेंगे, व्यापन घोटाला, पेपर लीक घोटाला, इतने घोटाले, वो मंदिर, एक मंदिर दुरुस्ती का, महाकाल मंदिर, अरे भाई उसमें भी नहीं छोड़े उन्होंने। मैं सुना आपके पास 50% कमीशन। कर्नाटक में हमारे पास एक सरकार थी बीजेपी की, वो 40% वाली थी, ये 50% वाली है, उससे 10% आगे। तो आप ही सोचिए, इनको निकालना या रखना, बोलिए आप। निकालना, सब हाथ उठाइए निकालने वाले। मुझे खुशी हो गई, आप में इतनी ताकत है, आप जरूर चव्हाण के सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।